Publish Park, the creative school for quality and innovative education. Admissions are open. Sri Lakshmi Prasanna Traders, specialist in edible oil, coconut oil and ghee available here. Chhatrapati Shivaji Maharaj Park में statue के नीचे लगाए गए marble टूटकर गिर गए, जिसे देखने वाला कोई नहीं। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। एक्स एम एल ए मल्लिकार्जुन खोबा ने सिटी के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क का दौरा करते हुए दिखाई नाराजगी। कहा कि इलेक्शन के दौरान कई नेताएं बसो कल्याण में वोट मांगने के लिए आते हैं, खासकर मराठा समाज के वोट लेने के लिए कई वादे करते लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। मेरे पीरियड में मैंने ये शिवाजी पार्क बनाया था, आज इसे देखकर बहुत दुख होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के नीचे के मार्बल के पत्थर टूट गए हैं। यहाँ तक कि पार्क में जो बेंचेस लोगों को बैठने के लिए डाले गए थे वो भी टूट गए हैं। इन्हें देखने वाला कोई नहीं। और मल्लिकार्जुन खोबा ने बसो कल्याण सीएमसी और एमएलए से कहा कि 7 दिनों के अंदर इस स्मारक के नीचे के मार्बल को ठीक करें और यहाँ के बेंचेस को भी ठीक करें, वरना मैं अपने तरीके से इसे ठीक करूँगा। और एमएलए शन्नू सालगार पर भी नाराजगी दिखाते हुए कहा कि जिस तरह से मराठा समाज के वोट के लिए जो वादे किए थे उसे पूरा करें, और कहा कि इस पार्क का मेंटेनेंस कौन करना चाहिए, सीएमसी प्रेसिडेंट, मेंबर्स कमेटी के लोग या आप? यहाँ पर कोई मेंटेनेंस नहीं है। Highlight Industry, AAC Blocks. Construct your dream home with quality products. So Home Electronics, Home Appliance, Furniture. ARK Giri, Silk and Sari. वोट लिया है तो काम भी करो। 7 दिनों में अगर इसे ठीक नहीं किया तो हम सबक सिखाएंगे, इस तरह से खुली चेतावनी दी मल्लिकार्जुन खोबा ने। इसके अलावा पद्माकर पाटिल पर भी बरस पड़े। टिकट मांगने से पहले यहाँ की हालत को देखो, फिर टिकट मांगो। कांग्रेस वाले भी आए, बीजेपी वाले भी आए। देखो ये मूर्ति, इसका स्टोन देखो क्या हालत है। हम लोग इतना पार्क बनाए, इन्होंने इतना महाराज जी के बारे में बात करते, इनको स्वाभिमान स्वाभिमान। मराठा समाज, एमएलए शरणो सलगर, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये मेंटेनेंस कौन करना? ये म्युनिसिपैलिटी के सीएमसी के अध्यक्ष, मेंबर कमिटी के लोग कौन करना इसका मेंटेन? ना मेंटेनेंस है, शर्म आना चाहिए इन लोग को वोट ले गए, लेकिन इसके बारे में सोचना चाहिए आपका कर्तव्य है। 7 दिन के अंदर आप बिठाए ठीक नहीं है, हम बिठाएंगे। वक्त आने के बाद जो तरीके से आपको सबक सिखाना है हम जरूर बिठाएंगे। अल अलीम कंस्ट्रक्शंस, योर ड्रीम आवर वर्क। सबक सिखाना है हम जरूर बिठाएंगे, सबक सिखाएंगे। अभी ये जो देख के क्या है, बड़ी शर्म की बात है। आम आदमी का क्या होगा जब सम्मान जो जो मंत्री जी, मिनिस्टर जी, बड़े बड़े आते, एमएलए आते, भाषण देते, ये दिखता नहीं क्या? टाइल्स गए, हर चीज गए, कचरा है। तो इसके बारे में हमारे को मराठा समाज के पूरे लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करूँ, आप वोट दिए, चांगला माणूस है बोले, ये चांगला माणूस ना थोड़ा दाखवाओ, काय झालं काय नाही, कसं चाललंय बसव कल्याण मध्ये, काय झालं 10 चक्कर कुठे आहे? वो पद्माकर पाटील आते मला तिकीट पाहिजे, कुठे आहे पद्माकर पाटील? ये कौन कौन करता है? पद्माकर पाटील को भी देखना चाहिए आके। पद्माकर पाटील बोलता टिकट होना। शिवाजी महाराज जी का शिव सृष्टि के बारे में क्यों बात नहीं करके? भाई तुम घाट बोगड़ के बसव कल्याण में आ, कोई एमएलए का टिकट मांगते? हर आदमी आता बसव कल्याण बोले तो आम आदमी का, फुटपाथ के लोग नहीं। आप यहाँ आ गए तो यहाँ का संरक्षण, शिवाजी महाराज जी का बात आप जरूर आके ये काम करवाओ।